हाय फ्रेंड्स, दिस इज मोनिका एंड आई वेलकम यू टू माय एस्ट्रो जीवन चैनल। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे नंबरोलॉजी को लेकर के और जानेंगे कि ये जो नंबर्स हैं इनका हमारे जीवन पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। दोस्तों, ये जो नंबर्स हैं कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी प्लैनेट से जुड़े हुए होते हैं और हर प्लैनेट किसी ना किसी नंबर को रूल करता है। तो इसीलिए जो एस्ट्रोलॉजी है और नंबरोलॉजी है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि दोनों में ही प्लैनेट्स की बात की जाती है। अगर प्लैनेट्स का हमारे जीवन पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है तो आप यकीन मानिए कि ये जो नंबर्स हैं इनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो भी हमारे जीवन पर, हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट डालती हैं। तो आज हम बात करेंगे नंबरोलॉजी को लेकर के और शुरुआत करेंगे नंबरोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है मूलांक वन वालों के लिए। आज हम बात करेंगे कि मूलांक वन वाले जो लोग हैं इनका क्या नेचर होता है, किस तरह के ये होते हैं, इनके लिए बेस्ट सुइटेबल कलर कौन से हैं, इनके लिए बेस्ट सुइटेबल डेट कौन सी है और किस नंबर वाले लोगों के साथ इनकी अच्छी कंपेटेबिलिटी रहेगी। तो आज बात करते हैं मूलांक वन वालों के लिए और शुरू करते हैं अपनी नई सीरीज नंबरोलॉजी को लेकर के। मूलांक वन वाले जो लोग होते हैं इनका नेचर होता है कि ये किसी से आगे बढ़कर बात नहीं कर पाते। सपोज कीजिए कि ये किसी ट्रेन में जा रहे हैं, तो ट्रेन में कई बार ऐसा होता है कि टाइम पास के लिए लोग एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं, लेकिन जो मूलांक वन वाले लोग हैं इनका नेचर होता है कि ये किसी से आगे बढ़कर नहीं बात कर पाते। ये ओरिजिनलिटी में बिलीव करते हैं, काफ़ी लॉयल होते हैं, फेथफुल पर्सन होते हैं। तो जैसा इनका नेचर है तो ठीक इसी तरह से इनकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं अपने लाइफ पार्टनर से। इनकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि इनका लाइफ पार्टनर भी इनके साथ लॉयल रहे, इनके साथ फेथफुल रहे। आगे बात करते हैं कि जैसे हम सन को आसानी से देख लेते हैं, तो ठीक इसी तरह से ये जो मूलांक वन वाले लोग हैं ये बहुत जल्दी लोगों के बीच में दिखने लग जाते हैं। मतलब क्लास में तो ये बहुत जल्दी मॉनिटर बन जाते हैं, या 100 बच्चों की क्लास में ये जो मूलांक वन वाले लोग हैं ये अपनी किसी ना किसी क्वालिटी के वजह से लोगों के बीच में दिखने लग जाते हैं, बच्चे इन्हें जानने लग जाते हैं, टीचर्स इनको जानने पहचानने लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 100-200 बच्चों की क्लास में किसी बच्चे का नाम भी नहीं पता चल पाता, लेकिन जो मूलांक वन वाले लोग हैं इनको बहुत जल्दी बाकी के बच्चे जान लेते हैं कि अरे इस बंदे का ये नाम है। काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी भी काम में अगर ये घुस जाते हैं तो उस काम को ये अपना पैशन बना लेते हैं और किसी भी काम की शुरुआत अकेले करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि दे आर द बिगनर्स एंड दे आर द एंटरप्रेन्योर। उनके अंदर ये क्वालिटी होती है जबरदस्त, और साथ ही साथ ये बहुत अच्छे टीम लीडर भी होते हैं। इन्हें पता है कि क्या काम कैसे करना है, कौन सा काम किसको संभालना है। सपोज कीजिए कि अगर इनकी टीम को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उसमें ये जो मूलांक वन वाले लोग हैं इन्हें पता है कि क्या काम कैसे करना है, कौन सा जो वर्क है किसके लिए सुइटेबल रहेगा, कौन सा काम किसको देना चाहिए। और कई बार तो इनका ऑरा जो होता है वो ऑरा ही इतना ज़बरदस्त होता है कि जो इनकी टीम के मेंबर्स होते हैं वो ही बोलने लग जाते हैं कि भाई तुम बताओ कि क्या काम किसको करना चाहिए। तो इनके अंदर क्वालिटी होती है एज अ टीम लीडर काम करने की, और लोगों को साथ में लेकर चलने वाला इनका नेचर होता है। इनकी जो पर्सनैलिटी है वो लियो की तरह होती है, और जो इसलिए इनकी जो एनर्जी है वो मैस्कुलिन ज़्यादा होती है। बॉसी नेचर के होते हैं तो इसलिए इनकी जो आवाज़ है वो थोड़ी रौबदार होती है। बॉसी नेचर होने के कारण ये किसी के अंडर में काम नहीं कर पाते, इन्हें किसी की सुनना पसंद नहीं है, और अगर ये किसी के अंडर में काम कर भी लेते हैं तो थोड़े बहुत टाइम के लिए करते हैं, उसके बाद फिर ये अपना काम डाल लेते हैं, अपना बिजनेस डाल लेते हैं। और फिर भी अगर इन्हें किसी के अंडर काम करना भी पड़े तो ये अपने अपनी डायनामिक एनर्जी और अपने जो काम के प्रति इनका जो पैशन है उसके साथ ये बहुत जल्दी किसी भी कंपनी के सीईओ या डायरेक्टर देखे जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत जल्दी ये हाईली डिग्निफाइड पोजीशंस को अटेंड कर लेते हैं। ये लोग किसी की राय लेना पसंद नहीं करते, ये किसी को राय दे सकते हैं लेकिन लेना पसंद नहीं करते। इनका अपना नेचर है, क्योंकि कहीं ना कहीं सन जो है वो ईगो को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं इनका जो ईगो है वो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाता है। और अगर हेल्प की बात आए तो ये लोग किसी की मदद के लिए बढ़ चढ़कर आगे आते हैं। समाज कल्याण के लिए बात आए, समाज उत्थान के लिए बात आए, तो ये लोग सबसे पहले बढ़ चढ़कर वहाँ हिस्सा लेते हैं।
इसीलिए इन्हें समाज के प्रधान के रूप में भी आसानी से हम देख सकते हैं। काफी क्रिएटिव माइंड होता है, किसी भी काम को सिंपल वे में ना करके उसको क्रिएटिव वे में करना ये पसंद करते हैं। लाइक सपोज कीजिए कि मूलांक वन वाले लोगों को अगर कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो ये पार्टी को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि जो उस पार्टी में आते हैं वो लोग याद रखते हैं कि यार पार्टी जो दी थी ना वो उस बंदे ने दी थी। तो इस तरह से इनका नेचर होता है। ये लोग स्वभाव से काफी जिद्दी होते हैं, ये लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन लोगों को किसी की सुनना पसंद नहीं है। लाइक जो ये काम कर रहे हैं उसमें अगर कोई बीच में बोलता है, बीच में अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखता है तो इन्हें सुनना पसंद नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें इनका ईगो भी हर्ट हो जाता है। और इनकी जो बोली है वो बेवाक होती है, बोली इनकी बेवाक होती है। तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इनका नेचर होता है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों इनके नेचर से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जो भी ये काम कर रहे होते हैं इन्हें पता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ या जो मैं काम कर रही हूँ उसमें दे आर द बेस्ट। तो ये हमने बात करी थी मूलांक वन वाले लोगों के नेचर के बारे में। अब हम बात करेंगे कि मूलांक वन वाले लोगों के लिए बेस्ट सुइटेबल कलर्स कौन कौन से होते हैं। तो मूलांक वन वालों के लिए बेस्ट सुइटेबल कलर्स हैं ऑरेंज, येलो, पीच एंड रेड। और इनके लिए जो मेटल बनता है वो बनता है कॉपर। इनको अगर जैम स्टोन्स अगर पहनने हैं तो इनके लिए जैम स्टोन में इनके लिए बेस्ट बनता है रूबी, जिसे हम माणिक कहते हैं। अब आगे बात करते हैं कि मूलांक वन वालों के लिए बेस्ट कंपेटिबिलिटी, यानी जिन लोगों के साथ इनकी अच्छी बन सकती है, तो वो नंबर कौन कौन से हैं। तो ये जो नंबर हैं ये हैं 1, 2, 3, 5 और 9। इन नंबर वाले लोगों के साथ इनकी अच्छी कंपेटिबिलिटी रहती है। तो आज मैंने आपको बताया कि नंबरोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में कि मूलांक वन वाले लोग किस तरह के होते हैं, क्या इनका नेचर होता है, क्या कलर्स इनके लिए सुइटेबल हैं, क्या डेट इनके लिए सुइटेबल है, सॉरी मैंने आपको डेट नहीं बताई, इनके लिए बेस्ट सुइटेबल डेट है 1, 10, 19 और 28। तो आज मैंने आपको जानकारी दी नंबरोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में जो कि है मूलांक वन वालों के लिए। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी कि नंबरोलॉजी के सेकेंड चैप्टर में जो कि मूलांक टू को लेकर के है वो लोग क्या नेचर के होते हैं, किस तरह के होते हैं, उनके लिए क्या बेस्ट सुइटेबल कलर्स हैं, क्या बेस्ट सुइटेबल उनके लिए डेट्स हैं और बाकी की ढेर सारी बातें। और अगर आप ये सोचते हैं कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ आपकी लाइफ से मैच नहीं करती, तो माय डियर फ्रेंड्स आप सो रहे हैं। ये जो क्वालिटीज हैं ये आपके लिए हैं, आप इनको समझिए, आप इनको जानिए कि आप मूलांक वन से डिनोट करते हो, आप सन से डिनोट करते हो, आपका जो रूलर है वो सन है और सन की एनर्जी आपके अंदर है, सन की वाइब्रेशंस आपके अंदर है, मूलांक वन वन की एनर्जी आपके अंदर है। तो आप इस चीज़ को जानिए, आप इस चीज़ को समझिए। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको सब्सक्राइब का बटन देखने को मिलेगा, आप क्लिक कीजिए जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपको आसानी से देखने को मिलती रहे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।